सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सही से आती जाए। और आज मुझे किसी ने कमेंट की थी कि आप ट्रेडिंग आवर्स में अवेलेबल नहीं रहते हो, तो इसीलिए मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरे डैड की तबीयत खराब है, तो आज उसी सिलसिले में हमें हॉस्पिटल जाना था। बहुत दिनों से ये चल रहा है, बहुत दिनों से हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन आज डॉक्टर ने कहा था कि उनके आईज में जो है वो ब्लीडिंग हो रही है और उसके वजह से ब्लड जो है वो एक जगह पे जमा हो रहा है, तो इसकी वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस उन्हें कैटरेक्ट भी है बट उसका इतना असर नहीं हो रहा है, उस ब्लीडिंग के वजह से उन्हें राइट आईज से नहीं दिखाई दिया है, तो इसलिए हमें आज लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाना था। तो आज उनकी लेजर ट्रीटमेंट तो हो गई है, अभी 1 से 1.5 महीने तक उन्हें सिर्फ चेकअप करना है और जो टैबलेट्स और ड्रॉप्स दिए हैं वो डालते रहना है, फिर बाद में जो है वो उन्हें कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है, तो वो 2-3 महीने के बाद होगा। अभी फिलहाल उन्हें 70% तो दिखाई देगा, 30-40% कैटरेक्ट की वजह से नहीं दिखाई दिया है, तो इस वजह से वो ऑपरेशन बाद में 2-3 महीने के बाद कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी चेकअप के लिए जाना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था, इसी वजह जैसे मैं हमेशा बिजी रहती हूँ और हमेशा उनके साथ जाना पड़ता है, तो मॉर्निंग में मैं अवेलेबल नहीं रहती समटाइम्स, तो ये कारण था उसी का। और मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया नहीं था, आज किसी ने कमेंट की इसलिए मुझे कम्युनिटी में पोस्ट डालनी पड़ी थी, तो बस यही बताना था आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो फिलहाल निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,046 के पास, तो आज निफ्टी ने एक निगेटिव क्लोजिंग दी है बट 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से आगे अभी निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अभी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी की 29 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, 11,046 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब 11,050 के ऊपर हम लोग एट दी मनी है। तो अगर 11,050 के ऊपर कॉल साइड में हम देखते हैं तो 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। 11,050 के लेवल के ऊपर अगर कॉल साइड में हम लोग आज देखते हैं तो 8,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है और वही अगर पुट साइड में देखते हैं तो सिर्फ 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें एडिंग यहां पे 11,050 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिखाई दे रही है। नीचे की बात करें तो 11,000 के ऊपर 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उसके सामने पुट साइड में 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। कॉल साइड में अगर हम देखते हैं तो 11,000 के लेवल के ऊपर 5,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एडिंग हुई है, वही अगर पुट साइड में देखें तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम लोग ऊपर जाए तो 11,100 के लेवल के ऊपर 36 लाख ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। और आज अगर राइटिंग देखें 11,100 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में तो 14 लाख की राइटिंग हमें कॉल साइड में दिखाई दे रही है, वही अगर पुट साइड में देखें तो एग्जिट दिखाई दे रही
रही है कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट पुट साइड में दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है कॉल और पुट साइड में, तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 46 लाख का, जो कि है 11,200 के लेवल के ऊपर। तो 11,200 के लेवल की तरफ निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है, एक हडल है, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। वही अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 39 लाख का, वो है 11,000 के लेवल के ऊपर। तो 11,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये 11,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है तब तक इसके चांसेस है 11,200 तक के, क्योंकि 11,200 ब्रेक करना फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक मेजर हडल है 11,200 और 150 की तरफ। तो अगर 11,000 का लेवल होल्ड होता है निफ्टी, तो 11,200 तक के टारगेट्स हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं आने वाले सेशन में। तो कल की रेंज अगर मैं बताऊं तो कल जो है वो मार्केट 10,900 से लेके 11,200 के बीच में हमें दिख सकता है। बाकी 50-50 पॉइंट्स आप ऐड करते जाओ। तो ये मेरी सलाह है कि 10,900 से लेके 11,200 के बीच में मार्केट जो है वो कल ट्रेडिंग कर सकता है। कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, कभी कभी दोनों साइड के मूव्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी के दिन। तो अभी हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन देख ली है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। मेरे सामने निफ्टी का 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज निफ्टी ने ओपनिंग की थी 11,100 के पास। तो मैंने आपको बताया था अगर निफ्टी जो है वो 11,100 के ऊपर ट्रेड करता है 30 से 40 मिनट तक, तो हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे 150 और 180 के टारगेट्स के लिए। लेकिन निफ्टी ने जो है वो ओपनिंग की थी 11,100 की तरफ और फिर जो है वो नीचे गिरा था यहाँ तक 11,050 की तरफ, फिर 50 के ऊपर सपोर्ट लेके निफ्टी जो है वो ऊपर चढ़ा और फिर इसी रेंज में घूमता रहा। और जैसे ही निफ्टी ने 11,050 जो उसने पहला लो बनाया था वो तोड़ा, तो यहाँ से जो है फिर निफ्टी और ज्यादा नीचे गिर गया। कहाँ तक? अपने 10,980 के सपोर्ट तक। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 11,070 अगर टूटेगा, मार्केट उसके नीचे फिसलेगा एक बार भी, तो हमें मार्केट जो है वो 11,000 और 10,980 तक जाते हुए दिख सकता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि 10,980 तक मार्केट जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो निफ्टी ने जो है वो सपोर्ट होल्ड किया और यहाँ से 10,980 से फिर से बाउंस बैक किया और 11,050 के ऊपर चला गया। तो अभी फिलहाल 11,050 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, 11,046 की क्लोजिंग मिली है निफ्टी की, तो ये 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। फिलहाल निफ्टी को इंपॉर्टेंट है 11,000 का लेवल होल्ड रखना। अगर 11,000 का लेवल निफ्टी तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो निफ्टी जो है वो फिर से आने वाले सेशंस में हमें 900 तक गिरता हुआ दिख सकता है। तो अगर कल की मैं बात करूं तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 11,000 का लेवल। ये लेवल जैसे ही टूटेगा तो निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को लेके जाएगा 950 के लेवल की तरफ। वही अपसाइड की अगर बात करूं तो अभी 11,046 की क्लोजिंग आई है, तो निफ्टी अगर 11,070 के ऊपर ट्रेड करता है 30 से 40 मिनट तक, तो यहां से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकलेगा वो निकलेगा 11,150 का लेवल। 11,150 के ऊपर हडल है, जो मैंने पहले भी बताया था, अगर वो हडल पार होता है, निफ्टी पार कर देता है, तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे, जो कि है 11,180 का लेवल और उसके बाद में 11,200 का लेवल। तो ये लेवल्स है, अगर निफ्टी ने 11,070 के ऊपर ट्रेड किया कल, तो 11,150 तक जाने के चांसेस है। लेकिन अगर 11,000 टूटता है तो वहां से जो है वो हमें एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैं एक बार रिपीट कर देती हूं, तो यहां से निफ्टी के लिए सपोर्ट है 11,000 का लेवल, 10,980 का लेवल और 10,950 का लेवल। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस है 11,100 का लेवल, 11,150 का लेवल और 11,200 का लेवल।
ये रिफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है मैंने अभी बताया है आपको, वो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी हमने निफ्टी के लिए तो देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो फिलहाल मेरे सामने बैंक निफ्टी की 29 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और सो अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 27,804 के पास। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 28,000 के नीचे निफ्टी बैंक फिसल जाता है तो फिर हमें जो है वो डाउनसाइड के लिए फिर से 27,650 और 700 तक के लेवल्स जो है वो निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और आज कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिला था। तो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी बैंक का। फर्स्ट तो 27,804 की क्लोजिंग आई है, तो 27,800 की तरफ हम लोग एट दी मनी है। तो 27,800 के ऊपर कॉल साइड में अगर हम देखते हैं तो 2,30,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो आज कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 27,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग यहाँ पे हुई है। वही अगर पुट साइड में जाए तो 3,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 27,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट साइड में कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 10 लैक्स का, जो कि है 28,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और आज कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 28,500 की तरफ 2,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें यहाँ पे कॉल साइड में दिखाई दे रही है। तो वही अगर पुट साइड में जाए तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 7,11,000 का, जो कि है 27,500 की तरफ। तो 27,500 का लेवल एक क्रूशल सपोर्ट बनेगा निफ्टी बैंक के लिए। तो अगर मैं एक ट्रेडिंग रेंज की बात करूं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की जो कल की ट्रेडिंग रेंज रहेगी यहाँ से वो रहेगी 27,300 से लेके 28,500 के बीच में। तो देखिए निफ्टी बैंक तो 1,000 पॉइंट्स यहाँ वहाँ चला जाता है दिन भर में, नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कल एक्सपायरी है तो कल इसमें भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। तो आप 27,300 और 28,500 की रेंज पकड़ के चलिए, बाकी यहाँ से 100-100 पॉइंट्स आप नीचे और ऊपर के एडिंग करते जाइए। तो अभी हमने निफ्टी बैंक का ऑप्शन डेटा देख लिया है, तो चलिए अभी चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज निफ्टी बैंक ने एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है। तो अगर हम आज देखेंगे तो आज निफ्टी बैंक ने ओपनिंग की थी 28,080 के तरफ और वहां से जो है फिर निफ्टी बैंक ने लो किया था 27,634 का, जो मैंने आपको बताया था अगर 28,000 का लेवल टूटता है, 28,000 के नीचे अगर निफ्टी बैंक फिसलता है तो हमें 27,700 और 650 तक के लेवल्स कल ही देखने को मिल सकते हैं। तो आज निफ्टी बैंक ने 27,634 का लो बनाया था और हाई किया था 28,995 का। तो अभी नेक्स्ट सेशन में निफ्टी बैंक में क्या क्या हो सकता है, तो फिलहाल देखिए निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 27,804 के पास। तो फिलहाल 28,000 के नीचे है निफ्टी बैंक, तो जैसे मैंने आपको बताया था अगर 28,000 के नीचे क्लोजिंग भी मिल जाती है तो हमें फिर से जो है फिर डाउनसाइड के टारगेट्स निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी क्लोजिंग वही पे आई है 27,804 के पास 28,000 के नीचे, तो यहाँ से जो है वो निफ्टी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट और क्रूशल लेवल बनता है, क्रूशल सपोर्ट जोन बनता है, वो लेवल है 27,500 का लेवल। यहां तक निफ्टी बैंक आ सकता है, अगर यहाँ पे एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया निफ्टी बैंक ने तो यहां से फिर से जो है वो बाउंस बैक कर सकता है 28,000 के तरफ। लेकिन अगर 27,500 का भी सपोर्ट टूटता है तो फिर निफ्टी बैंक जो है वो 27,200 और 300 तक गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ से निफ्टी बैंक के लिए 27,500 का लेवल, और नेक्स्ट क्रूशियल
इनिशियल सपोर्ट है 27,300 का लेवल। अपसाइड के लिए यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 27,880 का लेवल और 28,050 का लेवल। ये दो लेवल अगर निफ्टी बैंक पार कर देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 28,200 का लेवल। तो निफ्टी बैंक के लिए भी मैंने अपने लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। आप अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो मार्क कीजिए, आप अपना एनालिसिस भी करिए और बाद में जो है वो ट्रेड कीजिए। अभी आप सीखोगे नहीं और डायरेक्टली अगर पेड सर्विसेज के लिए जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। तो पहले आप लोग सीख लो, उसके बाद में ट्रेडिंग करो। ये मेरी सलाह है आपको कि सीख के ही ट्रेडिंग करना, ऐसे किसी को पेड सर्विस में नहीं जाना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एक दो बार पैसे मिल जाएंगे लेकिन अगर आपके पास अपना नॉलेज रहेगा तो आप जिंदगी भर उसको लेके जा सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। अगर किसी को भी मेरा वर्क एनालिसिस पसंद है, मेरे वीडियोस भी पसंद है तो आप डोनेशन भी कर सकते हो। डोनेशन की लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना और बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि सबको जो है वो ये नॉलेज मिल सके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।